हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम टूल इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज नंबर 5 करने वाले हैं, यानी कि आज हमारे एमसीक्यूज रहेंगे 101 से लेके 125। ओके, ये ओवरऑल हमारे टूल इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज का लेक्चर नंबर 11 रहेगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कटिंग टूल मटीरियल हैज हाईएस्ट शॉक रेजिस्टिंग कैपेसिटी। तो शॉक रेजिस्टिंग कैपेसिटी यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे पूछ रहे कि टफनेस। ओके, क्यूबिक बोरोनाइट्राइड, कास्ट अलॉयज, कार्बाइड्स और सिरामिक्स, सबसे ज़्यादा टफनेस किसकी रहेगी? तो सबसे कम टफनेस रहेगी क्यूबिक बोरोनाइट्राइड की, उससे ज़्यादा जो टफनेस रहेगी वो रहेगी सिरामिक्स की, उससे भी ज़्यादा जो टफनेस रहेगी वो रहेगी कार्बाइड्स टूल की, और उससे भी ज़्यादा टफनेस रहेगी हमारे कास्ट अलॉयज की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? कास्ट अलॉयज। 101, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज चीपेस्ट कटिंग टूल मटीरियल? हाई स्पीड स्टील, कास्ट अलॉयज, कार्बाइड्स और सिरामिक्स। तो यहाँ पे हाई स्पीड स्टील इन चारों में से सबसे चीप रहेगा। ठीक है, तो हाई स्पीड स्टील हमारा आंसर है। 103, द प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग टूल मटीरियल ड्यू टू विच इट कैन विदस्टैंड शॉक्स एंड वाइब्रेशंस एंड प्रिवेंट ब्रेकेज। ओके, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है जिससे कोई टूल मटेरियल शॉक को रेजिस्ट करता है, वाइब्रेशन को रेजिस्ट करता है और ब्रेकेज को, अपने खुद के ब्रेकेज को प्रिवेंट करता है? वेयर रेजिस्टेंस, हॉट हार्डनेस, टफनेस या थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखिए, ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है टफनेस, शॉक रेजिस्टिंग, शॉक को विदस्टैंड करने की जो कैपेसिटी बोलते हैं उसको हम टफनेस बोलते हैं। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल? हैक्सो ब्लेड, मिलिंग कटर, ग्राइंडिंग व्हील या पार्टिंग टूल। इन चारों में से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कौन सा है? तो देखिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहेगा हमारा पार्टिंग टूल। पार्टिंग टूल रहेगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ग्राइंडिंग व्हील मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में रहेगा, मिलिंग कटर भी मल्टी पॉइंट में, और हैक्सो ब्लेड भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल है। Which of the following cutting tool material requires a lot of care in a heat treatment? Heat treatment में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। High carbon steel, high speed steel या both A and B या none of the above? देखिए, heat treatment में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है जब high speed steel को prepare किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, heat जो high speed steel रहता है उसका heat treatment का process जो रहता है थोड़ा difficult रहता है। Which among these is the hardest? Hardest कौन सा है भाई? Ceramics, diamond, cubic boron nitride और HSS। तो यहाँ पे जो सबसे hardest material ही लिख दिया है, तो diamond रहेगा हमारा इन चारों में से hardest। या सबसे hardest पूछा होता तो भी हमारा आंसर diamond ही आता। Turning, drilling, boring and milling are commonly used machining operations. Among these, the operations performed by single point cutting tool। देखिए, कौन सा ऑपरेशंस जो है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से होगा? टर्निंग, ड्रिलिंग एंड मिलिंग ओनली, टर्निंग एंड बोरिंग ओनली या बोरिंग ओनली। तो देखिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से ऑपरेशंस जो होते हैं वो होते हैं टर्निंग एंड बोरिंग ओनली। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सी। मैच लिस्ट 1 जहाँ पे लिखा है कटिंग टूल मटीरियल्स विथ लिस्ट 2 जहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग मैथड्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो देखिए, ये जो ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो गेट जैसी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये एक गेट का ही क्वेश्चन है जो प्रोडक्शन ब्रांच में पूछा गया था। ओके, तो प्रोडक्शन ब्रांच का गेट का एग्जाम्पल है ये। तो लिस्ट 1 यहाँ पे दी हुई है मटेरियल की लिस्ट है, कटिंग टूल के मटेरियल की लिस्ट, और यहाँ पे लिस्ट 2 जो दिखाई दे रही है वो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग मैथड। तो यहाँ पे हमें आंसर चूज करना है। तो देखिए, HSS यहाँ पे HSS जो बनता है वो बनता है फोर्जिंग से। ओके, HSS बनता है फोर्जिंग से। स्टेलाइट जो बनता है वो बनता है कास्टिंग से। सीमेंटेड कार्बाइड जो बनता है वो बनता है पाउडर मेटलर्जी से। और यूकॉन जो बनता है वो बनता है रोलिंग से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ए का आंसर आएगा 2, ए का आंसर आएगा 2, यानी कि यहाँ पे ये रहा बी और डी। जो बी है स्टेलाइट कास्टिंग, यानी 1 नंबर रहेगा, तो ये रहा 1 नंबर।
और सीमेंटेड कार्बाइड्स का पाउडर मेटलर्जी यानी 5 नंबर, और यूकॉन जो डी है उसका नंबर रहेगा रोलिंग यानी कि 3 नंबर, तो 3 ये रहा। ओके सो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल मटेरियल कैन नॉट बी फोर्ज्ड टू सेव, देखिए फोर्जिंग नहीं कर सकते, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्टेलाइट या नन ऑफ दी अबो। तो देखिए फोर्जिंग का तो यहाँ पे HSS का तो लिख ही दिया है, तो HSS तो निकल जाएगा फोर्जिंग का, ठीक है। हाई कार्बन स्टील भी फोर्जिंग से हो सकता है, तो यहाँ पे स्टेलाइट जो है उसका फोर्जिंग थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अरेंज द फॉलोइंग कटिंग टूल मटेरियल इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉस्ट, देखिए कॉस्ट के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे ज़्यादा कॉस्ट रहेगी हमारी क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड की, तो ये रहा। फिर रहेगी हमारी सीरामिक्स की, फिर रहेगा हमारा सीमेंटेड कार्बाइड्स, और फिर रहेगा हाई स्पीड स्टील। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा डी 2, 3, 1, 4। द बाइंडिंग मटेरियल यूज इन सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल ग्रेफाइट, टंगस्टन, निकल या कोबाल्ट। तो देखिए बाइंडिंग मटेरियल जो यूज़ होते हैं सीमेंटेड कार्बाइड बनाते वक्त वो होते हैं कोबाल्ट। ओके सो कोबाल्ट इज द बाइंडिंग मटेरियल यूज इन सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल। मोस्ट वाइडली यूज ग्रेड ऑफ HSS, टी सीरीज, एम सीरीज, कोबाल्ट, HSS या नन ऑफ द अबो। सो देखिए मोस्ट वाइडली यूज ग्रेड जो है, या मोस्ट फेमस या मोस्ट कॉमनली यूज HSS की जो ग्रेड है वो ग्रेड है टी सीरीज की ग्रेड। ओके जो कौन सी है, 18-4-2 HSS। अरेंज द फॉलोइंग कटिंग टूल मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लगाना है। सो देखिए सबसे ज़्यादा कटिंग स्पीड रहेगी डायमंड की, तो ये रहा 4 नंबर। ओके सबसे कम कटिंग स्पीड रहेगी हाई कार्बन स्टील की, यानी ये रहा 1 नंबर। उसके बाद हाई कार्बन स्टील के बाद रहेगा हमारा सिरामिक्स, ओके सो 3 नंबर, और फिर रहेगा क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, और फिर रहेगा डायमंड। सो हमारा आंसर रहेगा सी 1, 3, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 114, विच अमॉन्ग दिस हैव हाईएस्ट हॉट हार्डनेस वैल्यू, हॉट हार्डनेस वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, हाई कार्बन स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड, कास्ट एलॉय से हाई स्पीड स्टील। तो देखिए हाई कार्बन स्टील की हॉट हार्डनेस सबसे कम रहेगी, तो उससे ज़्यादा रहेगी HSS की, और उससे भी ज़्यादा रहेगी कास्ट एलॉय की, और उससे भी ज़्यादा, यानी इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो हॉट हार्डनेस वैल्यू रहेगी सीमेंटेड कार्बाइड स्टील की। इन एम सीरीज हाई स्पीड स्टील द अमाउंट ऑफ टंगस्टन इज, तो देखिए एम सीरीज जो रहती है 6, 6, 4, 2, सो 6 इज फॉर मोलिब्डेनम, 6 जो नेक्स्ट रहता है वो W यानी कि टंगस्टन रहता है, यानी हमारा आंसर यह रहेगा 6% टंगस्टन, ये रहा 6% टंगस्टन, 4% रहता है क्रोमियम और 2% रहता है वेनेडियम। ओके सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 6% एम सीरीज हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन का अमाउंट 6% रहेगा। कार्बाइड टूल्स ग्रुप यूज टू कट मेटल्स इन टू द फॉर्म ऑफ शॉर्ट चिप्स, तो देखिए शॉर्ट चिप्स कार्बाइड टूल्स या शॉर्ट चिप्स के लिए कौन सा ग्रुप यूज़ होगा, पी ग्रुप, एम ग्रुप, के ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पी यानी लॉन्ग ग्रुप, एम फॉर मीडियम, तो मीडियम चिप्स, सॉरी लॉन्ग चिप्स, मीडियम चिप्स, और के ग्रुप रहेगा शॉर्ट चिप्स। तो के ग्रुप यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, शॉर्ट चिप्स अगर निकालनी है कट मेटल कट करने के लिए तो हमें के ग्रुप के कार्बाइड टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। 117, which of the following is added to tungsten carbide so that it can also be used for machining steel, tungsten carbide में क्या हम ऐड करेंगे जिससे फिर वो स्टील भी मशीनिंग कर सकेगा। सो देखिए यहाँ पे टेंटेलम कार्बाइड्स और टाइटेनियम कार्बाइड्स जो रहते हैं दोनों हम ऐड करते हैं जिससे वो स्टील को भी मशीनिंग करने के लिए सूटेबल बन जाता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट कटिंग टूल मटीरियल, दो देखिए सबसे चीपेस्ट यहाँ पे ढूंढना है, सबसे कॉस्टली रहेगा क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, फिर चीप रहेगा सीरामिक्स, उससे भी चीप रहेगा कार्बाइड्स, और सबसे चीप रहेगा कास्ट एलॉयस। ओके सो कास्ट एलॉयस यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, कास्ट एलॉयस यानी स्टेलाइट की बात चल रही है, ठीक है। कार्बन स्टील इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग कार्बन इन स्टील एंड एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन विथ वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर, प्योरर देन कास्ट आयरन या नन ऑफ द अबो। तो कार्बन स्टील जो रहते हैं वो रहता है एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन विथ वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर कटिंग सीरामिक्स, सीरामिक्स को कट करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सीमेंटेड कार्बाइड्स, तो देखिए भाई सीमेंटेड कार्बाइड्स तो सीरामिक्स से कम हार्ड है यानी सॉफ्ट है, ठीक है, सीरामिक्स से कम
सिरामिक्स है सॉफ्ट है तो सिरामिक्स को कट नहीं कर सकता, सिरामिक्स सिरामिक्स को नहीं कट करेगा। HSS भी बहुत ही सॉफ्ट रहेगा सिरामिक्स के कंपेयर में, तो यहाँ पे सिरामिक्स से ज़्यादा जो हार्ड वाला जो मटेरियल है यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, यानी डायमंड कटिंग टूल मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड हैज़ हाई हार्डनेस, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड में हार्डनेस भी अच्छी रहती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी रहती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। यूकॉन कंसिस्ट ऑफ 50% कोलम्बियम, 30% टाइटेनियम, 20% टंगस्टन, या 30% कोलम्बियम, 50% टाइटेनियम, 20% टंगस्टन, या 20% कोलम्बियम, 30% टाइटेनियम, 50% टंगस्टन, या 50% कोलम्बियम, 20% टाइटेनियम, या एंड 30% टंगस्टन। सो देखिए यहाँ पे यूकॉन मटेरियल में रहता है 50% कोलम्बियम रहता है, 30% टाइटेनियम रहता है और 20% टंगस्टन रहता है। विच अमॉन्ग दिस इज द हार्डेस्ट, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, सिरामिक्स, कास्ट एलॉय और हाई स्पीड स्टील। यहाँ पे सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल हमें दिखाई दे रहा है, यानी क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड इन चारों में से हार्ड रहेगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कटिंग टूल मटेरियल हैज लोवेस्ट शॉक रेजिस्टिंग कैपेसिटी, लोवेस्ट शॉक रेजिस्टिंग यानी टफनेस सबसे कम रहेगी, टफनेस सबसे कम रहेगी, तो क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, हाई स्पीड स्टील, कास्ट एलॉय और सिरामिक्स। सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड सबसे कम टफ रहेगा, या सब जिसकी शॉक रेजिस्टेंट कैपेसिटी सबसे कम रहेगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉस्टलीस्ट कटिंग टूल मटेरियल, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, कास्ट एलॉयस, कार्बाइड्स और सिरामिक्स। सो यहाँ पे भी कॉस्टलीस्ट की बात करें तो क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड सबसे ज़्यादा कॉस्ट रहेगी इन चारों में से। ओके सो चलिए यहाँ पे हमारे 25 नेक्स्ट जो करने थे क्वेश्चंस वो कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल हमारे चैप्टर 2 के MCQs 125 कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए फिर आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।